हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का वीडियो है रेलवे ELP और टेक्नीशियन संबंधित दो बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ एक साथ यहाँ पर। और पैनल कब तक आएंगे दोस्तों, उसमें एक खबर में आपको ये बताया गया है कि संभावित पैनल कब तक आएंगे, और दूसरे के अंदर दोस्तों ये बताया गया है कि पैनल छोटे क्यों आ रहे हैं, मतलब कि पैनल के अंदर कम लड़कों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है। ये दोनों हम ऑफिशियली देखेंगे दोस्तों, और आपकी ऑफिशियली जानकारी के साथ मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली न्यूज़ है आपकी, RRB अजमेर के अधीन रेलवे को जल्द मिलेंगे 2290 सहायक लोको पायलट प्लस टेक्नीशियन भी है दोस्तों शायद इसमें, क्योंकि इतने वैकेंसी तो यहाँ पर सहायक लोको पायलट की नहीं थी, टोटल वैकेंसी इतनी थी शायद। अब दोस्तों, यहाँ पर 403 को इन्होंने नियुक्ति दे दी है और 2290 यहाँ पर बचे हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर 2693 पोस्ट थी अजमेर से। तो यहाँ पर अभी तक 403 को नियुक्ति दी है और 15 का और सेकंड पैनल भी आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा RRB अजमेर द्वारा जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। अंतिम चयन सूची रेलवे भर्ती बोर्ड समेत देश में 27,995 पदों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो सत्यापन और मेडिकल की प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है, और 403 को सूची भी जारी की जा चुकी है, जहाँ पर दोस्तों उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया है और उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब दूसरी सूची का इंतज़ार। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब अभ्यर्थियों को पार्ट पैनल की दूसरी सूची का इंतज़ार है। देखना है यह है कि RRB अजमेर से सभी 2293 पदों के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा या फिर एक बार फिर से टुकड़ों में सूची आएगी। माना यही जा रहा है कि अक्टूबर में रेलवे भर्ती बोर्ड शेष पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची व नियुक्ति अनुशंसा जारी कर सकता है। तो यानी कि अक्टूबर में आपकी पूरी पूरी संभावना है कि आपका पैनल आकर आपको ज्वाइनिंग के अधीन दे दिया जाए दोस्तों। तो ये आपकी बड़ी अपडेट थी, और ये दोस्तों पहले भी आया था 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में कि आपको जल्द ही हमारा सब कुछ काम है, वो DV मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आपको जल्द ही यहाँ पर पैनल दे दिया जाएगा। तो उसके 2-3 दिन बाद में ही आपका सेकंड पैनल आया था, जहाँ पर 15 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था। तो और जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग जोन, अजमेर की बात नहीं है, लगभग जोन में अक्टूबर में काफ़ी पैनल आने वाले हैं, जैसा कि आपको 12 सितंबर से पहले हर जोन में एक पैनल देखने को मिल गया था, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अब अक्टूबर में आपको लगभग जोन में एक एक पैनल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना आपकी अक्टूबर में ही है। और ज़्यादातर जोन में कॉल करने पर यही जवाब मिलता है कि अक्टूबर एंड, अक्टूबर मिड वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक, यही दोस्तों इनका जवाब रहता है। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर में कितने जोन का पैनल आता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर दूसरी अपडेट है दोस्तों आपकी, रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर की, जहाँ पर दोस्तों आपका कल ही टेक्नीशियन का पैनल जारी किया गया था 2 दिन पहले ही। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 01/2018 सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियन पद पर औपधिक पार्ट पैनल सेकंड का अंतिम परिणाम की सांकेतिक सूचना। तो यहाँ पर यह दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय रोजगार सूचना 01/2018 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने विशिष्ट विभिन्न टेक्नीशियन कोटियों के लिए अपना प्रथम और उच्चतम विकल्प दिया, यानी कि आप देख सकते हो फर्स्ट पैनल में उन्हीं कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो रहा है, लगभग जोन में यही प्रोसेस रहा है दोस्तों, कि जिनका फर्स्ट है वो फर्स्ट प्रीफ्रेंस है वो टेक्नीशियन है, या फिर जो उच्चतम प्रीफ्रेंस है वो टेक्नीशियन है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, एक तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट प्रीफ्रेंस है उसी में नाम आ जाता है, तो आपका फर्स्ट पैनल में नाम आने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है, अगर आपका DV मेडिकल सही कंप्लीट हो गया और आपका मेडिकल का रिपोर्ट है वो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करवा दिया है RRB को, तो आपका 99.9% है कि आपका नाम है वो फर्स्ट पैनल में ही आ जाता है। अब दूसरा दोस्तों, उच्चतम विकल्प कौन सा होता है कि जैसे आपका ELP छोड़ दिया जाए उसके बाद में टेक्नीशियन आता है, तो टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन हो जाता है और ELP में नहीं होता है, या फिर साइको में आप फेल हो, या फिर साइको नहीं दिया है, कोई भी रीज़न है, थर्ड नंबर पर आपका टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन में हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ तक का पैनल था। इसके बाद में आपका ये रहेगा कि टेक्नीशियन 1 में नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 4th में होता है, अभी वहाँ तक ये पैनल नहीं पहुँचा है, उनका भी दोस्तों जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और वेट रहेगा कि कब तक नेक्स्ट पैनल है वो RRB मुजफ्फरपुर जारी करता है, और बाकी यहाँ पर सभी जोन में कब तक यहाँ पर पैनल आते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।